लोकसभा चुनावों का दौर चल रहा है और इस समय उत्तर प्रदेश में लोगों की खास नज़रें हैं। जहां प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश को टारगेट पर लेकर चल रही हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में अपना चुनावी दांव पेच आजमाना शुरू कर दिया है। हाल ही में यादव बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले दिनेश लाल यादव और भोजपुरी स्टार को भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने शामिल कराया। उसके बाद से ही कयास लगे कि निरहू आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ ताल ठोंकेंगे। सोशल मीडिया पर भी निरहुआ के आजमगढ़ से चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा छाई रही। सूत्रों की माने तो 29 मार्च को निरहुआ की ओर से सुरक्षा के लिए एक आवेदन लखनऊ में दिया गया था, साथ ही उनकी एक प्रति आजमगढ़ के जिलाधिकारी को भेज दी गई थी। मंगलवार को शासन की ओर से निरहुआ को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा देने का आदेश मिलते ही आजमगढ़ पुलिस सक्रिय हो गई। एसपी ने वाई श्रेणी सुरक्षा के लिए एक दल बनाते हुए तत्काल सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। पुलिस ने सुरक्षित संबंधित जानकारी निरहुआ को दे दी है। निरहुआ के आजमगढ़ में प्रतिनिधि संतोष श्रीवास्तव के मुताबिक निरहुआ अभी बनारस में भोजपुरी फिल्म ठीक है कि शूटिंग में व्यस्त है, सुरक्षा से संबंधित सूचना उसको दे दी गई है। आजमगढ़ के एसपी त्रिवेणी सिंह ने बताया कि इंटेलिजेंस के आधार पर शासन से निर्देश मिले हैं कि भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल यादव को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है, कराई जा रही है, लिहाजा उनका सुरक्षा दल सुरक्षा की जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूर्ण की जाए। दो दिन पहले निरहुआ ने ट्वीट कर कहा था कि मेरा आप सभी से निवेदन है कि जाति धर्म के नाम पर उस पार्टी का साथ न दें जिसके लिए देश से बड़ा अपना परिवार हो। सभी लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर नरेंद्र मोदी जी का साथ दें। यह ट्वीट उन्होंने मैं कमल खिलाने आया हूं के हैशटैग के साथ पोस्ट किया है। इस पोस्ट के बाद इन कयासों को बल मिल रहा है कि आजमगढ़ सीट से निरहुआ चुनावी मैदान में ताल ठोकने को बेताब है। देखना है कि इसका परिणाम क्या होता है और अखिलेश यादव के सामने भोजपुरी स्टार कितनी दमखम से चुनाव लड़ पाते हैं। आने वाले 23 तारीख को जब मतगणना होगी तो यह स्पष्ट हो जाएगा।